हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31st ऑफ मई से लेके 6th ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। The Holy King, Seven of Chalices, the Haunt God, Queen of Adams, and the Witch. Okay. So हमारे पास है the Haunt God. Haunt God के यहाँ होने का मतलब है कि कोई इस वक्त अपने मन की बात को बहुत ज्यादा सुन रहा है। ये पर्सन अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहता है। इस वक्त ये पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकली सोच नहीं रहा, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में उन्हें किसी भी चीज को इस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं कि उन्हें क्या मिल रहा है और वो क्या दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है जैसे कि कुछ तो ऐसा है जो आपको अपसेट कर रहा है। ये पर्सन नोटिस कर रहा है आपका नाराज होना, आपका शांत होना, या उनकी तरफ वैसे प्यार ना दिखाना जैसे कि आप पहले शो करते थे। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप बन गए हैं ये क्वीन ऑफ एडम्स, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसके कि अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, और वो उसी को फॉलो करती है। उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को वो किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सो ये पर्सन जानता है कि उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक्चुअली आप इस पर्सन को खुद पे वर्क करने के लिए पुश कर रहे हैं, नॉट लाइक कि आप लिटरली उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं या आप उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आप उन पे कोई बर्डन डाल रहे हैं। ये सिंपली आपके काबिल बनने के बारे में है। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें आपके काबिल होने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उन्हें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। ऑल्सो ये पर्सन ये भी रियलाइज कर रहा है कि काफी लंबे समय तक उन्होंने आपको इग्नोर किया है और ये चीज अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते या इसे आप और एंटरटेन नहीं करेंगे। इनफैक्ट सेवन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि कितना परफेक्ट ये रिलेशनशिप है और अगर वो इसे लेट गो करते हैं तो वो क्या क्या लूज करेंगे। ये पर्सन एक्चुअली शायद अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि वो आपको लूज भी कर सकते हैं। ओके, इस पर्सन को लग रहा था कि चाहे जो हो जाए आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे, और ये आइडिया ही इन्हें शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा था कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। सो ये पर्सन अब ये रियलाइज कर रहा है कि आपने अपने आसपास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, अगर वो आपको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि आप डिजर्व करते हैं, तो आप ऑब्वियसली उन्हें अपने क्लोज नहीं आने देंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, आप ये जानते हैं कि आपकी क्या अहमियत है। और अगेन इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप उनके बिना रह सकते हैं, जो इससे पहले इस पर्सन को पॉसिबल नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद आप चाहे जितना भी अपसेट हो उनके पास वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द विच के साथ ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आजकल आपने उनसे एक तरीके से दूरी बना ली है, तो वो आपके बिहेवियर में आया हुआ चेंज महसूस कर रहे हैं, चाहे आप क्लियरली कुछ कहें या ना कहें। ऑल्सो द होली किंग के साथ ये पर्सन काफी लॉस्ट है। आपके पर्सन तब से लॉस्ट है जब से कि आप उनकी तरफ वैसे ध्यान नहीं दे रहे जैसे कि पहले दिया करते थे। ये पर्सन ये सोच रहा है कि वो जाए तो कहाँ जाए, इस अंधेरे में से कैसे बाहर आए। इस पर्सन को पता है कि ये आसान रास्ता नहीं होने वाला है, इनफैक्ट ये एक लंबी जर्नी है। उन्हें आज से पहले ये लगा नहीं था कि उन्हें खुद पे वर्क करने की जरूरत है या खुद को बदलने की जरूरत है इन अ पॉजिटिव वे। ऑफकोर्स ये अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के बारे में नहीं है, बट अपनी बुरी आदतें या उस साइड को हैंडल करने के बारे में है जो हमारे नियर एंड डियर वंस को हार्म करता है या एक रिलेशनशिप को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो ये पर्सन जानता है कि ये सिर्फ है नेगेटिविटी को दूर करने के बारे में,
ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या उन्हें बदल देंगे पूरी तरीके से अगर आपका बस चले तो। ये पर्सन जानता है कि आपके जो भी आइडियाज हैं, आपके जो भी रीजंस हैं, वो वैलिड हैं, एंड आपका इस तरीके से सोचना कहीं से भी गलत नहीं है। ये पर्सन समझ गया है कि ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो अब और कंटिन्यू नहीं हो सकता। अगर उन्हें आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो कुछ सीरियस स्टेप उठाने पड़ेंगे और वो चेंजेस लाने पड़ेंगे जो लाना जरूरी है इस रिलेशनशिप के लिए। हालांकि उन्हें लगता है कि ये रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है, लंबा होने वाला है, बट एनीवेज आपका ये जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो प्यार महसूस करते हैं, वो इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये अपने अंदर वो चेंजेस लाए ताकि इन्हें आपका साथ मिल सके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ चैलिसेस एंड द स्टार। सो हमारे पास है एट ऑफ एडम्स। एट ऑफ एडम्स के साथ ये है किसी बाउंड्री को ना क्रॉस करने के बारे में। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ एक बाउंड्री बनी हुई है नाइफ से। सो ये पर्सन इन बाउंड्रीज को देख नहीं पा रहा था। ये पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर पाया इस रिलेशनशिप की और उन उन रूल्स की जो किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाते हैं। ये पर्सन एक्चुअली आंखें बंद करके चल रहा था, जैसे लगता है उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी। ये कुछ ज्यादा ही आसपास की चीजों को देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप को जज कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इनके हाथ बंधे हुए हैं। और ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ही श्योर था कि आप ऑब्वियसली चाहे जितनी भी मुश्किलें आए उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, बट इस पर्सन को दिख रहा है कि वो आपको कितना अपसेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा बल्कि वो आपसे दूर चले गए हैं। एट ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि आप कितने क्लोज आ चुके थे एक परफेक्ट रिलेशनशिप के, आप कितने क्लोज थे टेन ऑफ कप्स के, और फिर उन्होंने ये किया। अब ये पर्सन चाहता है कि यहाँ से ये स्टोरी आगे बढ़े, तो इसीलिए नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन एक कप आपको ऑफर करना चाहेगा। यहाँ ये कप शो कर रहा है नाइन्थ कप को। सो ये पर्सन चाहेगा कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, ये कप ऑफर करें, और वो जानते हैं कि आपने एट ऑफ कप्स उन्हें ऑफर कर ही दिया है। आप ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट कर चुके हैं तो उन्हें अब ये अप्रोच आपकी तरफ करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे उन्हें कोई वरदान मिला हो, ऐसी चीज जो वो हमेशा से चाहते थे। एंड इस पर्सन को लगता है कि उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अब। द स्टार के कार्ड के साथ ये पर्सन फिर से इसी स्टार को फॉलो कर रहा है जो कि आप हैं, और इस पर्सन को लगता है कि आप ही उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, आप ही उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। डेथ, तो ये पर्सन इस डेथ से डरता है। ये है किसी एंड के बारे में, स्पेशली इस रिलेशनशिप के एंड के बारे में। ये पर्सन इस एंड से डरता है, ये पर्सन आपको क्लोज रखना चाहता है, ये पर्सन नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कर दे जिससे कि बात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये पर्सन कोशिश करेगा अपनी तरफ से फिर से चीजों को ठीक करने की और आपको ये कप ऑफर करने की। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।